भाई साहब कांड ना और मेरे साथ हो नहीं सकता। मैंने टिकट खरीदी थी 14 तारीख की, आज 15 की टिकट मेरे को मिल गई है। भाई साहब गांव था यार, गांव में कुछ मिल ही नहीं रहा था। हिचहाइक किया अराउंड 2 घंटे तक। तो भाई साहब गड़बड़ हो गई, क्योंकि जहां मैं जाना चाह रहा था और वहां पे मैं पहुंचा नहीं, अब मैं कहीं गलत पहुंच गया हूँ। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ रोमानिया में, रोमानिया के कैपिटल बुकारेस्ट में। मैं आज सुबह ही यहाँ पर आया था। बेसिकली मैं रोमानिया घूमने के लिए नहीं आया था, सिर्फ यहाँ ट्रांजिट करने के लिए आया था। दिन भर सोया और रात की ट्रेन लेके मैं निकल रहा हूँ मोल्दोबा। मेरा मोल्दोबा जाने का बहुत दिनों से मन था यार। एक बार उन्होंने मेरा वीजा रिजेक्ट किया था मोल्दोबा वालों ने ना, मुझे बड़ी खुन्नस थी यार मोल्दोबा तो जाऊंगा मैं। तो अब मैं जा रहा हूँ मोल्दोबा बिना वीजा के, क्योंकि मेरे पास सेकंड वीजा है। क्योंकि जब तक मेरा सेकंड वीजा एक्सपायर नहीं होता तब तक मोल्दोबा से आता हूँ मैं। मैं ऑलमोस्ट सारे एक्स सोवियत कंट्री जा चुका हूँ, जितने भी पहले सोवियत संघ का जो कंट्री हुआ करता था, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के और इस्तोनिया लातविया लिथुआनिया को छोड़ के मैं सारे के सारे जा चुका हूँ। तो एक मोल्दोबा बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। खाना मैंने पैक करवा लिया है, वहाँ पे कुछ बाबा रेस्टोरेंट था वहाँ से मैंने खाना लिया है, इंडियन पाकिस्तानी सेम। तो और मैं जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। ट्रेन टिकट मैंने आते ही कटवा लिया था आज और मैं निकल रहा हूँ। बेसिकली मैं ले रहा हूँ 1667 ट्रेन, लासी की है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी। मैं एक्चुअली मोल्दोबा बॉर्डर तक जा रहा हूँ, हालांकि मोल्दोबा की ट्रेन निकल चुकी थी, 7:30 बजे की ट्रेन थी, क्योंकि मोल्दोबा की जाती कैपिटल चिजिनाउ, रोल पे ही बॉर्डर क्रॉस वगैरह होता। बट कोई नहीं, ये भी अलग एक्सपीरियंस है। मैं बॉर्डर सिटी के पास जाऊंगा, हिचहाइक करते हुए मैं पहुंचूंगा चिजिनाउ, मोल्दोबा की कैपिटल। देखता हूँ क्या होता है ना। फिलहाल तो मुझे 3 बजे ट्रेन छोड़ देगी और 3 बजे के बाद फिर अपना जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इस तरफ मैं जा रहा हूँ अभी, ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। तो भाई साहब ये है मेरी ट्रेन, हालांकि मेरे नंबर लिखा था नंबर 9 बट एक्चुअली नंबर 1 है मेरा। और ये एक स्लीपर प्लेस है, उस तरफ बैठने वाली जगह है पूरी, लेकिन पहले अभी चलते हैं अपने ट्रेन के अंदर। लेकिन यहाँ पे गजब का माहौल है यार। मैं आया, एक लड़की आई बोलती है नीचे में बैठा हुआ था, मैंने कहा आपकी सीट ऊपर है, मुझे बता भाई सीट ऊपर है, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ ट्रेन चलने दो, फिर अपना बिस्तर लगा लेना। नहीं वो तो मुझे बिस्तर लगाना है, इसलिए बिस्तर वगैरह लगाने लगा। तो मैं चलता हूँ अपने, मुझे अपना बिस्तर लगाना पड़ेगा। बट जो खाना पीने का जो सामान लेके आया हूँ, पता नहीं कब खाऊंगा उसको मैं। मेरी ऊपर वाली सीट है, इस तरफ दादी है, इस तरफ ये लड़की है, बट कोई बात नहीं, जाके अपने ऊपर जाकर सोना पड़ेगा। भाई साहब कांड ना और मेरे साथ हो नहीं सकता। वेल मैंने टिकट खरीदी थी 14 तारीख की, आज 15 की टिकट मेरे को मिल गई है भाई साहब, और मैं ट्रेन पर चढ़ गया एकदम कॉन्फिडेंट। एक्चुअली मैंने मेरी गलती यार, मेरी भी गलती है और लेडी की भी गलती है। तो बेसिकली मैंने उनको कहा था कि आज की टिकट चाहिए मुझे, उन्होंने मुझे कल की टिकट दे दी, उनको समझ में नहीं आया। और मेरी गलती इसलिए क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 15/6/23 मैंने टिकट कभी चेक ही नहीं किया। बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ट्रेन पर ही टिकट खरीद ली। और भाई साहब मेरे पास पैसे थे ही नहीं लोकल करेंसी में, बट मेरे पास यूरोज़ पड़े हुए थे, डॉलर्स पड़े हुए थे, साथ में मैं यूके में था हाल फिलहाल में, तो मेरे पास यूके पाउंड पड़े हुए थे, पाउंड स्टर्लिंग। इस दादी ने मेरी हेल्प की जो मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। इस दादी ने मुझे पैसे दिए लाइक लोकल करेंसी में और उनको मैंने यूरो दिए, हालांकि यूरोपियन यूनियन है बट यहाँ पे यूरो चलता नहीं है, इसलिए यहाँ की लोकल करेंसी से कहते हैं। व्हाट इज करेंसी नेम? रोन और लेक फ्रॉम द लेक। नाइस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रांसलेटिंग एंड हेल्पिंग मी आउट। एंड हाउ डू यू से थैंक यू इन रोमानियन लैंग्वेज? मुल्सु मेस्क। इन दोनों को उन्होंने मेरी हेल्प की और आज मैं जा पा रहा हूँ भाई साहब, वरना मैं जा भी नहीं पाता। चलो बड़े छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो भाई साहब मेरा सीट बदला गया है, अब मैं जा रहा हूँ अगले केबिन में, 3-4 घंटे के लिए सोऊंगा। थोड़ा सा इंडियन खाना भी सर ठंडा हो रहा है, खाना खा लूंगा भाई साहब, यहाँ से चलना हूँ। इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे टिकट के इस हेल्प के लिए। एनीवे थैंक यू वेरी मच अगेन एंड गुड नाइट। नाप्तेबुना। ये चले गई, रात के बज रहे हैं 3। पूरी स्टोरी अब समझाता हूँ, छोटी सी यार 5 डब्बे की ट्रेन थी ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन, कुछ ऐसा दिखता है। चलो मैं चलता हूँ अंदर, थोड़ी ठंडी लग रही नहीं यहाँ पे। तो भाई साहब सुबह के बज रहे हैं अराउंड 7, मैं यहाँ पे 4 बजे पहुँचा था। बेसिकली यहाँ पे आया, थोड़ा मैं गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ से जो मोल्दोबा का जो बॉर्डर है पास पड़ता है, तो मैंने यहीं की टिकट ली थी यार। तो यहाँ पे गया तो बाहर गया तो कुछ ये गाँव था यार, गाँव में कुछ मिल ही नहीं रहा था। हिचहाइक किया अराउंड 2 घंटे तक, 6 बजे हिचहाइक किया, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ मिल ही नहीं रहा था, कोई रोका भी नहीं। और एक्चुअली ऐसा नहीं कि 6 बजे यहाँ पे अंधेरा था, मतलब 5 बजे ही काफी उजाला हो गया था। तो फिर मैंने 7 बजे की ट्रेन टिकट यहाँ से बुक की, 2 घंटे का रास्ता है, वो मुझे एक्चुअली और उस तरफ लेके जाएगी। बेसिकली जिस रोड पे मैं हिचहाइक कर रहा था वो रोड गांव वाला रोड है मोल्दोबा का, वो बड़ा बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं है, तो इसलिए मुझे इजीली नहीं हुई वहाँ पे बड़े वाले बॉर्डर क्रॉसिंग के जाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ अभी एक बड़ा सा शहर और वहाँ से एक बड़ा वाला बॉर्डर क्रॉसिंग है। ट्रेन बस जो भी मिलेगा तो फिर ट्राई करूंगा वापस हिचहाइक करने का, देखता हूँ। मुझे पहुंचना है आज मोल्दोबा, आज शाम तक पहुंच जाऊं भी तो ठीक है। मुझे ऑलरेडी काउचसर्फिंग होस्ट मिल गया है मोल्दोबा में, तो मोल्दोबा के अंदर रहने का जुगाड़ हो गया मेरा। मोल्दोबा जा रहा हूँ सिर्फ एक काम के लिए, ट्रांसनिस्ट्रिया एक कंट्री है,
अनरिकॉग्नाइज कंट्री है, रशियन पार्ट है, बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें हैं। आपको मैं जब जाऊंगा तो बताऊंगा कि ट्रांसनिस्ट्रिया कैसी कंट्री है। एक कंट्री जो कि एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी एक कंट्री है, तो ऐसा मान के चलो। फिलहाल ये भाई ट्रांसनिस्ट्रिया है, छोटा सा ट्रांसनिस्ट्रिया है यार, कुछ है ही नहीं लिटरली यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आया तो भाई मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया एकदम, मतलब 3% चार्ज हुआ ज्यादा होता। क्रासना नाम की जगह है, फिर सुबह के 6 बजे जब मैं वापस पहुंचा तो यहाँ पे 1 घंटे फोन चार्ज किए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं जो अलग अलग जाएंगे यहाँ से, आई थिंक सब मेरे ट्रेन पे ही होंगे। अभी ट्रेन आने वाली है अभी 10 मिनट के अंदर। ये 2 डब्बे की ट्रेन है भाई। तो भाई साहब ट्रेन के अंदर तो घुस गए, खाली सीट नहीं है। ये बाथरूम के पास ऐसे बैठे खड़े खड़े जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सारे लोग खड़े खड़े ही जा रहे हैं, एकदम लोकल ट्रेन है, 2 डब्बे की ट्रेन है एकदम। तो भाई साहब मुझे सीट मिल भी गई, अच्छी बात है ना। ट्रेन इस तरफ जा रहा है, मैं इस तरफ बैठा हूँ तो अजीब सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, सीट तो मिल गई ना, बहुत बड़ी बात है। और चार्जिंग वगैरह भी है ट्रेन में। ट्रेन काफी अंदर से न्यू लग रही है बट बाहर से काफी ओल्ड लग रही है, और आवाज भी काफी कर रहा है ट्रेन। वेल चलो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ मुझे जाना है। हाँ भाई साहब ये थोड़ा सा नॉर्मल और लाइवली लग रहा है यार। वो पता नहीं जहाँ पे मैं चला गया था, गाँव में उतर गया था, वो तो लग रहा था कि पता नहीं शमशान घाट पहुँच गया हूँ मैं। जैसा कुछ है ये ट्रेन स्टेशन, आपको जाके दिखाता हूँ मैं। ठीक ठाक दिख रहा है भाई ट्रेन स्टेशन तो। और यहाँ की जो पटरी है भाई छोटी है मुझे लगता है ना, इनका जो बीच का जो गैप है ना इंडिया से छोटी छोटी लग रही है, पता नहीं क्यों। आपको भी लग रही है क्या? शायद ऐसा है ना यहाँ पे हाल। तो भाई साहब एक रेस्टोरेंट में आऊँ खाना पीना खाने के लिए, आपको जो भी सही लगे यहाँ से उठा सकते हो। तो भाई साहब मैंने राइस लिया और ये कुछ पता नहीं क्या था, चिकन के अंदर का ना होता पार्ट। यहाँ पे कुछ सलाद वगैरह है, यहाँ पे बहुत कुछ है लेने के लिए। और ऐसे यहाँ पे बेचते हैं लाइक लाइन में लगा के, थोड़ा ये सोवियत स्टाइल है। तो भाई साहब अभी बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है, सब गाड़ी से उतारा गया, उसका पासपोर्ट लिया गया। फिलहाल हम लोग रोमानिया का बॉर्डर क्रॉसिंग खत्म कर रहे हैं। अगर गार्नियर ने सो गया था यार, उन्होंने जगाया मुझे और कहा कि पासपोर्ट दो अपना, और उसके बाद सारे के सारे आ गए। तो अभी हम लोग रोमानिया को छोड़ रहे हैं एंड देन रोमानिया के बाद हम लोग मोल्डोवा के अंदर एंट्री करेंगे। मैं इस तरह के मार्सलुक्ता में जा रहा हूँ, मार्सलुक्ता कहते हैं मोल्डोवा में, छोटी जो मिनी वैन होती है उससे जा रहा हूँ। इससे यहाँ पे आने लगा अराउंड 30 मिनट लगे होंगे, और अभी हमारा पासपोर्ट वगैरह स्टाम्प हो रहा है, फिर हमें पासपोर्ट मिलेगा एंड देन हम लोग मोल्डोवा जाएंगे। ये दीदी सबका पासपोर्ट बांट रही है, मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया, ठप्पा लग गया भाई साहब। जरा दिखाता हूँ आपको मैं ठप्पा, ये भाई साहब थोड़ा ठप्पा को मैंने घिना दिया ना, बट कोई बात नहीं होता है, ये ठप्पा लग गया भाई साहब मेरा। तो भाई साहब मैं पहुंच गया हूँ किजिनाओ, एक्चुअली इसको मैं किजिनाओ बोला था, उसको कहते हैं किजिनाओ समथिंग लाइक दैट। सो मैं आ गया उस टैक्सी से, मतलब मार्सरुक्ता से, टैक्सी तो नहीं थी मार्सरुक्ता थी, और उसके लिए मैंने पे किया भाई 700 रुपये। 700 रुपये मुझे बॉर्डर वगैरह क्रॉस करवा दिया भाई। यार क्रॉसिंग काफ़ी इजी थी ना, मतलब बहुत इजी थी। मेरे पास ना ही मोल्दोवा का वीजा था, ना ही मेरे पास रोमानिया का वीजा था, तो मैं इन दोनों देश कैसे आया? मैं आया भाई सेंगन वीजा पे। यार मोल्दोवा ने मेरा पहला बार वीजा रिजेक्ट किया था, इनका एक ई वीजा है हमारे लिए मोल्दोवा का, तो मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। यार बड़ी गुस्सा आया था कि साला रिजेक्ट कर दिया, मैंने क्या गलत किया था भाई, पहले बार रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार मैं बिना वीजा के तुम्हारे देश आ रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, और भाई मैं कार से उतरा ही नहीं रोमानिया में, कम से कम कार से उतरा। और थोड़ा बड़ा सवाल वगैरह पूछा कि क्यों आए थे रोमानिया, मैंने कहा टूरिज्म से, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मोल्दोवा में भाई मैंने पासपोर्ट अपने ड्राइवर भाई साहब को दिया, वो ठप्पा मार के मेरा पासपोर्ट लेके दे दिया। मैंने जो तो देखा था कि नहीं मेरा पासपोर्ट है या नहीं है वगैरह वगैरह, उसने फेस की जांच भी नहीं की, और काफी इजी एंट्री मिल गई, कोई सवाल नहीं पूछा। फिलहाल भाई जी मैं जा रहा हूँ अपने काउसर्फिंग होस्ट के घर पे, 13 मिनट की दौड़ी पे है। यांडेक्स टैक्सी यहाँ पे बुक किया भाई साहब, यहाँ पे यांडेक्स टैक्सी काम करती है, रशियन ऐप है जो कि रूस में हमेशा चलता है। और दूसरी बात भाई यहाँ पे सबको रशियन आती है, तो थोड़ा मेरा जो लैंग्वेज जो बैरियर था ना स्पेनिश कंट्री से आने के बाद, कोलंबिया वगैरह से आने के बाद, यहाँ पे वापस से खत्म हो गया। थोड़ी मोटी जैसे तो बोल लेता हूँ कि जितनी सी काम चलाओ रख से, कुछ ऐसा दिखता है भाई रशिया का जो शहर होता है ना, काइंड ऑफ ऐसा ही दिखता है, ये एक्सोवियत कंट्री हुआ करती थी। और अच्छी खासी बस नई बस है यार यहाँ पे, लेकिन यूरोप की सबसे लीस्ट विजिटेड कंट्री है ये, और यूरोप की सबसे गरीब कंट्री है ये, सबसे गरीब और लीस्ट विजिटेड कंट्री। तो पता नहीं क्या शौक चढ़ा मेरा वीजा रेस कर दिया इतने गरीबी होने के बाद भी, पता नहीं। भाई साहब इस टैक्सी के लिए मैं अराउंड 200 रुपये दे रहा हूँ, 15-16 मिनट का रास्ता था और अराउंड 4-5 किलोमीटर था। बट ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक मैं काउसर्फिंग इसलिए कर रहा हूँ कि पैसे बचाने के लिए बिल्कुल नहीं करूँ, क्योंकि जो काउसर्फिंग होस्ट है वो सिटी के काफ़ी बाहर रहती है। सो अगर मैं पैसे बचाने के लिए करता था यार, 200 रुपये जाने के 200 रुपये आने के, 400 रुपये तो ऐसे ही लग जा रहे हैं भाई। यहाँ 500 रुपये में अच्छा खासा हॉस्टल मिल जाता है एक्चुअली ना, 400 में मैंने देखा था हॉस्टल अच्छा खासा, तो 350-350 ठीक ठाक हॉस्टल मिल रहा था यहाँ पे। चीप कंट्री में काउसर्फिंग बस एक्सपीरियंस के लिए करो, बाकी बहुत सारे कंट्रीज है यूके वगैरह में यार आपको हॉस्टल $50-60 से कम नहीं मिलेगा, कनाडा वगैरह में, तो वहाँ पे पैसे बचाने के लिए कर सकते हो, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा पैसे बचाने के लिए, एक्सपीरियंस सही रहता है यहाँ पे। एक्सपर्ट कंट्रीज में लोग काफी हॉस्पिटेबल होते हैं, तो इसलिए मैं सोचा चलो थोड़ा काउचसर्फिंग ट्राई करते हैं यहाँ पे वापस से। ये देखो भाई गोल्डन चर्च सही दिख रहा है ये, मैं जा रहा हूँ ऑलमोस्ट अब 4 मिनट का रास्ता बचा हुआ है, 4 मिनट पहुँच जाऊँगा मैं।
भाई साहब मेरे होस्ट के बताए हुए लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं। ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे यार। पता नहीं सोवियत कंट्री में ना मेरे को मतलब अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब इतने सोवियत कंट्री गया हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया, सारी सोवियत कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, और रशिया भी एक सोवियत कंट्री है। बट लाइक रशिया के अलावा भी जितने भी सोवियत कंट्री है ना, वहाँ पे लोग बहुत ही कोल्ड है, बट एक बार आप उनसे बात करोगे ना तो काफी ओपन हो जाते हैं, फिर वो सब बात बता देते हैं आपको। तो ये अच्छी लगती है रशिया की बात। वेल फिलहाल मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपने होस्ट का, अभी आएंगी उनके घर जाके रहूंगा फिर आज। तो भाई साहब गड़बड़ हो गई, क्योंकि जहाँ मैं जाना चाह रहा था और वहाँ पे मैं पहुँचा नहीं, और मैं कहीं गलत पहुँच गया हूँ। पता नहीं कितना चलना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली टैक्सी वाले की भी गलती नहीं है, लोकेशन उसने गलत भेजा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा किधर जाना है। ये यहाँ पे बस स्टॉप है, इसी से पूछता हूँ मैं। दिस वे राइट, बट वेयर इज द एंट्री? लाइक गो मोर अप दैट साइड। यहाँ पे लोगों को रशन आती है, तो इससे मेरी थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी में पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा उधर जाके उधर जाओ, मैंने कहा फिर कंफर्म कर लेता हूँ। तो भाई साहब फाइनली पार्क में आ गया हूँ, अपने होस्ट को भी खोज लिया फाइनली, और बैठ के कॉफी पी रहा हूँ। गर्मी लग रही थी यार बहुत ज्यादा, ये बैग को टांग के चलाना मैं कम से कम 15-20 मिनट यार पसीने से, ये दोनों का दोनों भींग गया। एनीवे आपको मिलाता हूँ। ये है दारिया जो कि मेरी होस्ट है, और ये है योजेनिया। योजेनिया योजेनिया थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, इनका नाम तो इजी है बिकॉज इज योर नेम इज रशियन। आई थिंक योर नेम इज रोमेनियन, राइट? मोर रोमेनियन। इन रशियन योजेना इज एवगेनिया। एवगेनिया एवगेनिया, ओके, बड़ा ही ठीक ठाक नाम है। इनको लगता है मेरा नाम काफी डिफिकल्ट है। मैंने कहा भाई साहब मेरे स्कूल में ना 50 बच्चे थे, और 50 में से 5 का नाम शुभम ही था, तो बहुत कॉमन है मैं बिहार में खास करके, बट इनको तो समझ में नहीं आया नाम, तो मैंने कहा चलो शॉर्ट नाम बता देता हूँ। तो ठीक है, ये लोग आई थिंक इनके साथ आज रहूँगा रात को, और देखता हूँ फिर कहाँ जाता हूँ। अब इस पार्क को देखने के लिए आया हूँ, काफी ब्यूटीफुल पार्क है। यहाँ पे एक लेक भी है सामने, सही दिख रहा है भाई, ये ना इसको बोटेनिक पार्क कहते हैं, और ये कुछ ऐसा नजारा है, काफी हरियाली है इस देश में ना। तो भाई साहब क्या सही सनसेट हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन जो आ रहा है एकदम ना पानी के अंदर। ये लोग हमें यहाँ पे लेके आए थे, काफी सही जगह है ये, और हम लोग बैठ के कुछ स्ट्रॉबेरीज वगैरह खा रहे थे, लेकिन ये जो व्यू है काफी सही है। और ये कह रहे थे कि हवा में महक अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे उतनी गाड़ी नहीं है ना, और नहीं उतनी पॉपुलेशन है, तो जो एयर है काफी क्लीन एयर है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, कुछ के पेरेंट्स वगैरह आ रखे हैं, और ये मस्त भी हो रखा है। तो भाई साहब मैं अपने होस्ट के घर आ चुका हूँ, और आते उन्होंने हमारे लिए कुछ खाना पीना तैयार किया है। ये खाना बनाया उन्होंने, सलाद। व्हाट इज दिस नेम ऑफ दिस? शुभा। बेड से बाहर निकाल के मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर ये मैंने लगा दिया चार्ज में, रात को फोन वगैरह भी चार्ज लगा दूंगा। यहीं पे एक उन्होंने बताया था चार्जिंग प्लेस भी है वहाँ पे, तो वहाँ से चार्ज कर लूंगा। दो बिल्लियाँ हैं, लेकिन बिल्ली एक बिल्ली यहाँ है, एक बिल्ली शर्मा गई, यहाँ की बिल्ली बहुत शर्माती है। फिलहाल भाई जहाँ जा रहा हूँ सोने के लिए, गुड नाइट। अगर मुझे भाई इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, नाम व्हाट्सअप नाम है मेरा इंस्टाग्राम। फिलहाल के लिए गुड नाइट, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तस्वीर दानिया।